बॉलीवुड एक्टर आर्या बब्बर आजकल छोटे पर्दे पर नजर आ रहे हैं। टीवी सीरियल महाबली हनुमान में वो दिखाई दे रहे हैं रावण के किरदार में। इस सीरियल में आर्या बब्बर के किरदार को काफी पसंद किया जा रहा है। देखिए बॉलीवुड एक्टर आर्या बब्बर से खास बातचीत। कैमरा एक्शन। आज हम आपकी मुलाकात जिनसे करवाने जा रहे हैं, उन्हें आपने बहुत बहुत फिल्मों में देखा है, लेकिन अब वो ना जो हैं अपना एक डिफरेंट अंदाज, एक डिफरेंट किरदार के साथ छोटे पर्दे पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन छोटे पर्दे पर ऐसे ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं कि शायद आप देखकर भी घबरा जाएंगे। तो सीधा पैन करते हैं उन्हीं की तरफ और सबसे पहले यही, इधर प्लीज़ लुक दे दीजिए। क्या आपने लुक से जान ही लिया होगा। वेलकम टू डे नाइट न्यूज़। मैं आपसे पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपका नाम सीता है? नहीं, नॉट इंटरेस्टेड। ये सिर्फ सीता में इंटरेस्टेड है, हम इनको पकड़ के लाते हैं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। आपके लिए तो शायद हर लड़की सीता बन जाएगी। ओह माय गॉड, दैट्स सो स्वीट, बट आई डोंट नो, इट डज नॉट साउंड टू राइट। क्या आइए हमें किडनैप कर लीजिए, ऐसा मत करो। यस, आई एम प्लेइंग रावण एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर द काइंड ऑफ अप्रिसिएशन यू नो यू ऑल आर गिविंग मी, थैंक यू फॉर दैट। तो रावण को प्ले करना कितना डिफिकल्ट रहा? बिकॉज ऑफ कोर्स अगर बात करें गेटअप की, कॉस्ट्यूम की, एंड वो मेटल्स एंड यू नो वो जो पुराने टाइम में गहने पहने जाते थे, तो उन सब के बीच अरे कैसे अपने आप को फिट कर पा रहे हैं? मेरे कहने से कुछ भी पहले आप मुझे बताइए, यू आर वॉचिंग इट आई होप सो, व्हाट डू यू थिंक, क्या मेरी लुक कैसे आ रही है? क्योंकि मैं जब मैं पहली बार कास्ट हुआ था, सब मुझे बहुत कह रहे थे कि यार तू बड़ा ऑफ कास्ट है, यू नो बड़ी रॉन्ग कास्टिंग ना हो जाए रावण की, बट व्हाट डू यू फील? नो मतलब इफ आई सी यू एज अ रावण और एंड आई हैव सीन यू, बट यू आर लुकिंग परफेक्टली फाइन। एंड अगर कॉस्ट्यूम की बात करें, उसमें कहीं ना कहीं लगता है कि शायद उसको कैरी कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट। बिल्कुल, कॉस्ट्यूम जो है वो 5 किलो तो का वो एक लौता मुकुट है, और वो मुकुट जो है वो पीछे से अटैच होता है पूरी की पूरी बैक और शोल्डर और चेस्ट ज्वेलरी के साथ, बिकॉज इट्स सो हैवी कि अगर नेक मूवमेंट में इट स्लिप्स देन इट विल टिल्ट माई होल नेक, तो उसको अटैच किया जाता है कि पूरी शोल्डर और बैक और चेस्ट की ज्वेलरी के साथ वो अटैच्ड हो, जो देन गेट्स अटैच्ड जो कमर बंद है उस ज्वेलरी के साथ विद द ड्रेप्स, धोती, ये वगैरह वगैरह सारे कॉस्ट्यूम्स करते हुए आई थिंक इट कम्स अप टू 15 किलोस, 15 किलो का वो सिर्फ मेटल उसकी ज्वेलरी है। अगर बात करें सीरियल की, शो की बात करें, तो शो में जब आपकी एंट्री हुई, जब आपको पता लगा कि एज अ रावण आपको एंट्रेंस लेनी है, तो एक बड़े पर्दे के बाद छोटे पर्दे पे आने में कितनी डिफिकल्टी हुई, कितना डिफरेंस लगा? जी ऑनेस्टली बताऊँ तो ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं थी, जहाँ मीडियम्स की बात होती, क्योंकि मैं जो हूँ मैं एक अभिनेता हूँ, मेरा काम है अभिनय करना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या वो अभिनय मैं हिंदी फिल्मों में कर रहा हूँ, या मैं पंजाबी सिनेमा में कर रहा हूँ, या मैं टीवी में कर रहा हूँ, या मैं थिएटर पर कर रहा हूँ, या मैं हॉलीवुड में कर रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं अभिनय कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं वो काम कर रहा हूँ जो मुझे पसंद आता है। जब मुझे रावण ऑफर हुआ टीवी पर, तब एट द सेम टाइम मैं 2 हिंदी फिल्मों की शूटिंग शुरू कर चुका था, और मुझे लोगों ने कहा कि क्यों टीवी कर रहा है, क्या ज़रूरत है, तू बड़ी हिंदी फिल्में कर ही रहा है। तो मैंने कहा गाइस फॉर गॉड सेक, मैं टीवी इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में ज़िंदगी में कुछ नहीं इसलिए मैं करूँ, मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ये रोल पसंद है, एंड द फैक्ट इज़ दैट ओनली दैट आई लव द रोल, क्योंकि इससे बड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का कैरेक्टर जिसके पास रावण जो था, ही वॉज जस्ट नॉट इंटेलिजेंट, ही वॉज जस्ट नॉट शक्तिशाली, ही वॉज जस्ट नॉट अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, ही वॉज ऑल्सो अ जेंटलमैन। द फैक्ट कि हाँ उन्होंने सीता जी का अपहरण किया, हम लोग मजाक कर सकते हैं इसके बारे में, लेकिन उन्होंने उनको अशोका वाटिका में रखा, और कभी भी उन्होंने ही नेवर वेंट देयर, ही नेवर इवन टच्ड। तो अगर बात करें इस टीवी शो की, राइट, तो इसके बाद अगर आर्या से ये पूछा जाए कि इज आर्या लव टू डू एक्सपेरिमेंट्स, तो क्या जवाब? वेल राइट नाउ तो द आंसर इज यस, आर्या लाइक्स डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। जैसे आई एक्सपेरिमेंटेड बाय डूइंग पंजाबी फिल्म्स एंड हिंदी फिल्म्स एट द सेम टाइम, नाउ आई एम एक्सपेरिमेंटिंग डूइंग अ हिंदी फिल्म और उसके साथ अ टीवी शो, एंड हिंदी में मैं अभी 2 फिल्में कर रहा हूँ,
एंड पंजाबी भी, मतलब हिंदी में जो दो फिल्में कर रहा हूँ उनमें भी मैं मेन एंटेगनिस्ट हूँ और रावण भी मेन एंटेगनिस्ट है। तो शायद अभी एकदम से एक दौर आ गया मेरी ज़िंदगी में जहाँ मैं आई एम प्लेइंग दिस एंटी हीरो काइंड ऑफ रोल्स। तो अगर एडिक्शन की बात करें इस शो के लिए, एडिक्शन पर कितना काम, बिकॉज ऑफ कोर्स बहुत काम किया है, भाषा पे बहुत काम किया है, मेरी भंगिमा पे बहुत काम किया है, जो बॉडी लैंग्वेज है मेरी इस रोल के लिए स्पेशली, मेरी आवाज़ पे मैंने बहुत काम किया है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो आर्य की टोन ही है, पर जब मैं रावण बनता हूँ तो मेरी आवाज़ की टोन ये कि मेरे पराक्रम से इंद्र भी थर थर कांपता है। So that's what it is. And that's what Ravan is. And Ravan के ये तो आपको बहुत ही hardly 30 second teaser की feel भी नहीं थी इसमें, but इसकी एक झलक है कि इसकी body language, क्योंकि जब मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक, आपको एक larger than life role करने का मौका मिलता है तो आपकी performance की body भी एक larger than life हो जानी चाहिए। So that's what I'm trying to do. फैमिली प्रोटेक्शन को लेकर या कुछ भी नया जो है आप लाना चाह रहे हो या फैमिली की तरफ से आ रहा हो? ये देखिए, फैमिली एज सच को फैमिली प्रोडक्शन नहीं आ रही, पर हाँ जो मेरी अगली पंजाबी है दैट इज़ विद डैड एंड मी फॉर द फर्स्ट टाइम। पापा और मैं पहली बार आ रहे हैं पंजाबी फिल्म में, शुड स्टार्ट अराउंड अक्टूबर नवंबर टाइम, शूटिंग शुड स्टार्ट। तो अब आ रहा है एक ऐसा सवाल, शायद बहुत सारी लड़कियाँ जानना चाहती हैं, तो आरा शादी कब करें? क्यों, क्या वो सारी लड़कियां मेरी शादी में आना चाह रही? नहीं, शादी में नहीं, मतलब दे आर वेटिंग कि माइट बी आरा कैन बी देयर, यू नो देयर ऑप्शन, देन दे हैव टू गेट कनेक्टेड विद मी। हाउ विल आई कॉल देम फॉर माय वेडिंग और हाउ विल आई कनेक्ट विद यू? यू हैव टू कनेक्ट विद मी, तभी तो मैं शादी करूंगा। जब तक आप मुझसे कनेक्ट ही करेंगे मैं कैसे शादी करूंगा? मैं बेचारा अकेला। सो आरा ने आपको सबको जो बोला है एक, you know, straightforwardly he said this thing, कि इनसे कनेक्ट हो जाइए। चलो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द बहुत सारी लड़कियाँ आपसे कनेक्ट हो जाएंगी, और जाते जाते हम चाहते हैं कि आप अपने व्यूअर्स को रावण के अंदाज में अपने शो के साथ कनेक्ट होने के बारे में, फिलहाल शो के साथ कनेक्ट होने के बारे में कहिए। कैमरा एक्शन। हनुमान के जीवन मैं सोमवार से हर दिन 8 बजे आता हूँ संकट पैदा करने के लिए। फिलहाल हम इस संकट पे यही विराम लगाना चाहते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आर्या मेरे पे कोई संकट कर दे। मैं बहुत डर गई हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि रावण जो है वो मुझे सीता समझ ले और उठा कर ले जाए, राइट? सो ये थे हमारे साथ आर्य बबर। सो आपने उनका एक डिफरेंट अंदाज जो है देख लिया है, रावण को देख लिया है, एंड अगर आपको भी रावण के इस और डोज को एंजॉय करना है तो इनके शो को जरूर देखिए। कैमरामैन गिरीश दुर्गापाल के साथ रिंका टनाइटी। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर, हमें फॉलो कीजिए Twitter पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।